सो हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल वंस अगेन। क्या आपने फ्री फायर गेम का 2019 एंड 2021 का जो रिव्यू चेक किए हो? ये रहा दोनों साल का रिव्यू जो कि प्लेयर ने दिया है। यदि हम बात करें 2019 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वन स्टार की रेटिंग पड़ी है वो लाइन कितनी छोटी है, मतलब कि बहुत ही कम पड़ी थी वन स्टार की रेटिंग, एंड फाइव स्टार का जो रेटिंग था वो बहुत ही ज्यादा आ गई था। बट यदि आप 2019 के रिव्यू से अभी के टाइम का जो रिव्यू से कंपेयर करोगे, तो आपको वन स्टार की जो रेटिंग आपको बड़ी नजर आएगी, वो भी थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस टाइम गैप में ऑडियंस बढ़े तो जो रिव्यू वो भी एवरेज रहना चाहिए। बट अभी के टाइम पे काफी सारे लोग फ्री फायर गेम से मूव कर रहे हैं, एंड जब आप फ्री फायर के रिव्यू सेक्शन में जाओगे तो आपको इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। एंड मैक्सिमम लोग फ्री फायर के अपडेट को लेकर परेशान है, काफी सारे लोग अदर गेम पे शिफ्ट हो रहे हैं, एंड उनका प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है। मतलब लोगों से जबरदस्ती बरमूडा रिमास्टर्ड मैप खिलवाया जाता है, जबकि वो उस मैप में कंफर्टेबल नहीं है। 10 में से 8 मैच जो बरमूडा रिमास्टर्ड में ही लगता है, एंड जब उस मैप में कंफर्टेबल है ही नहीं तो वो क्यों खेले? जो प्लेयर को चाहिए वो उसे मिल ही नहीं रहा है। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप रिव्यू सेक्शन में जाओगे तो आपको ये सब वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब ऐसा मान के चलो बरमूडा एंड ये जो प्रगटरी मैप है, ये हम सबको बहुत ही कम खेलने के लिए मिलता है, खास करके प्रगटरी मैप। एंड इनके बाद आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैग। रिव्यू में आप देख सकते हो प्लेयर का कहना है कि वो दूसरे गेम पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक अपडेट के बाद खेलने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। रिव्यू में आपको जाके दिख जाएगा जिनके पास 6GB 8GB रैम वाला डिवाइस है उनका फोन फ्री फायर में लैग होने लगा, ऐसा लोग कंप्लेन कर रहे हैं। आपको पता होगा पिछले एक साल में फ्री फायर गेम का कितना साइज बढ़ा है। पबजी भी स्टार्टिंग के टाइम में 3GB रैम वाले डिवाइस में अच्छे से चलते थे, एंड जब अपडेट के बाद उनका साइज बढ़ा तो छोटे डिवाइस के लिए अलग से पबजी लाइट निकाल दी, फ्री फायर भी फ्री फायर मैक्स निकाल रहा है। शायद उनको खेलने के बाद आपके डिवाइस के साथ से फूलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये गेम सही से नहीं चल रहा है तो वो गेम किसके लिए आ रहा है? पहले तो उनका प्रॉब्लम फिक्स करना चाहिए, या फिर इनका एक लाइट वर्जन निकाल देना चाहिए जैसे पबजी ने किया। एंड कोई पुरानी बात नहीं है, बस इधर ही स्टार्ट हुआ ये सब होना। जब से 3-4 अपडेट आए तब से फ्री फायर गेम में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। आप रिव्यू यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आपको पता होगा सीओडी गेम में कितना साइज बड़ा है, बट फिर भी जिस डिवाइस में फ्री फायर अच्छा नहीं चलता है उस डिवाइस में सीओडी बहुत ही अच्छा चलता है। इसी वजह से वो इस गेम को छोड़ के सीओडी खेलने लगे, लोग अदर गेम पे शिफ्ट भी हुए। अभी के टाइम में बीजीएमआई के डाउनलोड देखोगे 1 वीक में 34 मिलियन हो गए। अभी आपको प्ले स्टोर पर 10 मिलियन ही शो होगा, बट अभी के टाइम पे वहाँ पे 34 मिलियन हो चुका है, मतलब उससे ज्यादा ही हो चुका है। एंड ये जो फ्री फायर का रेटिंग गिरा है ये पिछले 6 मंथ से होना स्टार्ट हुआ है। पहले के टाइम पे रिव्यू इतना खराब नहीं था, बट इन कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्री फायर काफी लोग छोड़ चुके हैं। एंड मुझे इस टॉपिक को लेकर इस वाले वीडियो पे काफी सारे कमेंट आए, एंड इनसे एक बड़ी प्रॉब्लम है पिंग का। पता नहीं किस बात का गुस्सा रहता है, हमेशा मूड हाई रहता है। मतलब मैंने पहले की तरह कभी देखा है ना कि 17 का हो या फिर 20 का 40 का इस टाइप से जो उसका पिंग हो। तो ये थे कुछ रीजन इनके वजह से काफी सारे लोग फ्री फायर छोड़ दिए एंड वो नेक्स्ट गेम पे मूव किए, साथ में इसी वजह से रेटिंग भी थोड़ा सा खराब हो गया है। आपके इस पे ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हां, आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब याद से कर लेना, साथ में एक लाइक भी कर देना।